हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेड़े की रेसिपी, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और इजी है बनाना। इसके लिए ना तो आपको मावे की जरूरत है और ना ही किसी चाशनी की। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने ये हाफ कप देसी घी लिया है, मेल्टेड है ये। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप शुगर पाउडर। मैंने शुगर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसका फाइन पाउडर बना लिया था। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। घी और शुगर को आपको अच्छे से क्रीम करना है, जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। 1 मिनट लगेगा इसे क्रीम होने में। आप देख सकते हैं जो घी और शुगर है हमारा अच्छे से क्रीम हो गया है, बहुत लाइट हो गया है और फ्लफी भी हो गया है। इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है। अब मेरे पास है ये भुने हुए चने, जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डालकर। 1 कप चना पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पीनट्स का पाउडर। मैंने मूंगफली को भी मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया था। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। आप चाहें तो पीनट्स की जगह आलमंड्स या फिर कैश्यूज का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर। इलायची का पाउडर बहुत अच्छी खुशबू देता है। हाथों से इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसका एक डो बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डो बन गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और पेड़ों की शेप दे देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। पेड़े के सेंटर में मैं एक थंब से इंप्रेशन दे रही हूँ और उसमें फिल कर रही हूँ क्रश पीनट्स। आप चाहें तो आलमंड या फिर कैशूज भी फिल कर सकते हैं। हमारा पेड़ा बन गया है। आप देख सकते हैं कितना इजी था बनाना, कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हम बाकी सारे पेड़े भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी दबाइएगा। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।